हरियाणा पत्रकार उत्थान मंच के तत्वाधान में पत्रकार समारोह हिसार जोन के बरवाला कस्बा में आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि बरवाला के समाज सेवी रणधीर सिंह तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में चेयरमैन नगर पालिका रमेश बैटरीवाला और विशेष आमंत्रित अतिथि विजेंद्र लोहान थे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राजेश शर्मा तो वहीं आमंत्रित वक्ता नरेश सेलपाड़ और नवल सिंह भी पहुंचे, जिसकी अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खंडेलवाल ने की। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य पत्रकार प्रशासन और जनता के बीच कैसे बेहतर हो संबंध पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में पहुंचे बरवाला के समाज सेवी रणधीर सिंह ने कहा कि पत्रकारों को एकजुट होकर रहना चाहिए और समय समय पर पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाने चाहिए, ताकि पत्रकारों में और भी निखार आए। तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष रमेश बैटरीवाला ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो ऐसे में स्तंभ को मजबूत करने के लिए ऐसे आयोजन बेहद जरूरी है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे विजेंद्र लोहान ने कहा कि पत्रकार ब्लैकमेलर नहीं होते, बल्कि उनकी छवि खराब करने के लिए उनको बदनाम किया जाता है। रमेश, जैसे आज कार्यक्रम रखा गया पत्रकारों के उत्थान के लिए, आप क्या कहेंगे बतौर मुख्य अतिथि आप यहाँ पहुँचे हैं? बहुत बढ़िया आयोजन रहा और सौभाग्य है बरवाला की धरती का के सारे जर्नलिस्ट बरवाला की धरती पर पधारे और उनके उत्थान के लिए भी हर सब ने अपनी अपनी बातें रखी और जो भी एक कोचिंग भी देने का काम किया और पत्रकारों को दिशा निर्देशन भी काफ़ी साथियों ने किया, एक मार्गदर्शन दिखाया कि किस प्रकार से आपको पत्रकारिता करनी और किस प्रकार से पब्लिक और सरकार के बीच रिलेशन स्थापित करने हैं और किस प्रकार से प्रशासन और पब्लिक के रिलेशन जो होते हैं और जनता की आवाज़ कैसे उठानी है, हर विषय पर आज वक्तव्य सभी अतिथियों ने दिए हैं। बहुत सुंदर आयोजन रहा। तो आयोजकों को क्या कहेंगे, इस तरह के आयोजन समय समय पर होना चाहिए ताकि जनता के और बीच में प्रशासन की और जैसे पत्रकारों की जो भूमिका है उसको लेके कई बार ना एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं ताकि वो विरोधाभास खत्म हो? देखिए, मैं कहता हूँ शासन प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी पत्रकार होते हैं और जिस प्रकार से जो आयोजन किया है ये समय समय पर आयोजन, मैं कहता हूँ प्रत्येक वर्ष हर शहर में होने चाहिए इस प्रकार के। जब होती है तो ये दूरियाँ जो प्रशासन और जनता के बीच की जो दूरियाँ हैं और जनता की जो आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत होती है वो एक अच्छा मौका मिल जाता है, जो कमियाँ हैं वो निकल जाती हैं। अभी क्या कुछ कमियाँ हमारे अंदर रहेगी, क्या प्रशासन की कमियाँ थी, ये क्या जनता के द्वारा जो अपेक्षा की जाती है कैसे पूरी नहीं, क्या हम नहीं कर पाए, सब चीज़ों पे मंथन हो जाता है, बहुत ही अच्छा। रणधीर जी, जैसे आज का पत्रकार के उत्थान के लिए संगठन के लिए एक आयोजन किया गया जिसमें आप बतौर मुख्य अतिथि थे, क्या लगता है आपको पत्रकारिता की जो भूमिका है उसको लेकर कई अलग अलग तरह के लोगों के अपने अपने विचार रखेंगे, क्या मानेंगे इस तरह के आयोजन से क्या होगा आने वाले समय में? देखो, आज जो ये हरियाणा पत्रकार उत्थान मंच ने आयोजन किया है, पत्रकारों का मैं कहूँगा कि एक सम्मेलन किया है जिसके अंदर समाज की, प्रशासन की और राजनेताओं की इस प्रकार की किस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए, मैं बधाई देता हूँ उत्थान मंच को जिन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया है। इसके अंदर जैसे अनेक वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, भाई पत्रकारों को पत्रकारिता के साथ साथ अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का भी ध्यान रखते हुए समाज के अंदर एक इस प्रकार की पत्रकारिता करें, इस प्रकार का समाज के अंदर मैसेज जाए कि लगे कि उनके किसी भी खबर से, उनके किसी भी कंटेंट से एक अच्छा मैसेज आए, उससे ज्ञान मिले, उससे कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिले और समाज की बातें हैं वो जो उठाने का काम करें, प्रशासन के और जनता के बीच के एक कड़ी का काम करें। सर, जैसे आज आप लोगों ने एक प्रयास किया पत्रकारों को संगठन करने की, पत्रकारों को जागरूक करने की, कहीं ना कहीं पत्रकारों में कोई खामी है उसको दूर करने की, तो क्या लगता है इस तरह की मुहिम से क्या आगे इसमें जैसे कि जो भी समस्या है वो दूर होंगी?
जैसे कि जब भी दही को भिगोया जाता है तो उसमें से लस्सी और मक्खन निकलती है, तो आयोजन भी उसी का हिस्सा है। जब हम आयोजन करते हैं वहाँ से हमें जानकारियाँ कलेक्ट होती है कि किस प्रकार से पत्रकारों के अंदर समस्याएं हैं, क्या कुछ उनके हकों की बात है। बहुत से पत्रकार साथी, नए साथी जुड़े हैं जिसे अपने अधिकारों को लेकर के ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो यहाँ से जो पत्रकार साथी मुख्य वक्ता के रूप में बुलाए जाते हैं वो इसलिए बुलाए जाते हैं ताकि वो उनको बेहतर जानकारी दे पाएँ। इसके अलावा जिस प्रकार से पत्रकारों का दिन प्रतिदिन हम देखते हैं, खबरें मिलते हैं कि उत्पीड़न हो रहा है उन पर, आए दिनों FIR हो रही हैं, झूठे उनके केसों में उलझाए जा रहे हैं, तो यह एक ऐसा मंच है कार्यक्रमों के माध्यम से कि हम लोग अपनी बात रखें और जिस साथी का उत्पीड़न हुआ है उसके साथ आज खड़े हों। जैसे आज साध्वी देवा ठाकुर से लेकर के विधायक को लेकर के जो बातें यहाँ से हुई, तो कहीं ना कहीं सभी पत्रकार वर्ग साथी कहीं ना कहीं वो साथ तो खड़े हुए, एक बात चली, चर्चा चली, और चर्चाएँ जब चलती हैं तभी कुछ ना कुछ होता है। तो इसलिए एक कार्यक्रम का आयोजन है कि जिस प्रकार किसान आंदोलन हुए, किसान इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद उनकी बातों को माना गया, वो एकजुट होना सीख गए, एकता आ गई उनके अंदर, ऐसे ही ऐसे आयोजन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि पत्रकारों के अंदर एकजुटता हो और एकजुटता से ही अपने अधिकारों की बात होगी और जो उनकी समस्याएं हैं वो दुरुस्त होंगी। जी, जैसे कि पहले की अगर हम लोग बात करें बरसों पुरानी, जैसे डिजिटल मीडिया नहीं था तब तक, डिजिटल मीडिया आने के बाद खबर की पुष्टि नहीं करते, उससे पहले खबर डाल देते हैं, उसका खबर का इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि मतलब किसको नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, तो मतलब ना दोनों पक्ष की बात भी जानने की कोशिश नहीं करते कोई भी पत्रकार, सोशल मीडिया की विशेष तौर से हम बात करें, आप इस पर क्या कहेंगे? मैंने आपको अभी ये बात बताई थी कि जो वक्ता बोले हैं यहाँ पर, आमंत्रित वक्ता थे चाहे मुख्य वक्ता थे, वो यही बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग दोनों पक्षों की बात रखो, आप पक्ष भी रखो और विपक्ष की भी रखो, दोनों के रखो। और जो कार्यशाला की लेकर के बात हुई है वो हमारे एजेंडे में है, हम लोग जल्दी ही एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे। जो साथी एक तरफा खबरें चलाते हैं, रोर करते हैं, तो कार्यशाला के माध्यम से उनको बेहतर जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से हमें पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ें ज़रूरी है।